व्हाट्सअप गाइस, क्या आप भी भाई कुछ इसी प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हैं बाबा साहब की जयंती पे 14 अप्रैल के लिए, तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो भाई हम इस तरीके की वीडियो को एडिटिंग करने के लिए हमें अपने VN ऐप को ओपन कर लेना होगा। और भाई VN ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे भी आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने आपका जो गैलरी है पूरा ओपन हो जाएगा। और भाई गैलरी ओपन के बाद आपको यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आ जाना होगा। और भाई वीडियो सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको अपना वीडियो सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो वीडियो है VN ऐप में देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और भाई VN ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से स्टार्ट में आ जाना होगा। और भाई स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको टैप टू एड स्टिकर PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा सबसे नीचे वाले पे। और जैसे भी आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, तो भाई आपको फर्स्ट पे क्लिक करना होगा वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पे। और जैसे भी आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से आपका जो गैलरी ओपन जाएगा, तो भाई आपको वैसे फोटो सेक्शन में आ जाना होगा। और भाई फोटो सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे मैं बाबा साहब का फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे बाबा साहब जी का फोटो जो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई आपके पास ये फोटो नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फोटो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप ले आकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद भाई आप इसी तरह से VN ऐप में लेके आइएगा। भाई आप यहाँ पे अपना फोटो भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं जस्ट 1 के लिए में कुछ इसी तरह से। तो भाई आपको यहाँ पे फोटो को कुछ इस तरह से लेके आना होगा। और लेके आने के बाद भाई आपको ऐसे करके बड़ा करना होगा, पूरे मतलब स्क्रीन पे करना होगा कुछ इस तरह से। और करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ऊपर में लेके जाना होगा। तो भाई मैं इस तरह से ऊपर में लेके जाता हूँ। और ऊपर में लेके जाने के बाद यहाँ पे देखते हमारा जो फोटो यहाँ पे बहुत ही तरीके से एडजस्ट हो गया। और एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा और नीचे से ऐसे करके लास्ट में आ जाना होगा। तो भाई लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक मार्क्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो भाई आप इसे मार्क्स पे क्लिक कीजिएगा। और भाई मार्क्स पे क्लिक करने वाले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है लीनियर का, तो भाई आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे भी आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से एक लेयर आ जाएगा। और लेयर आने के बाद भाई आपको ऐसे करके सीधा करना होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप इस तरह से मतलब सीधा कर लीजिएगा। और सीधा करने के बाद भाई आपको यहाँ पे नीचे में लेके आना होगा कुछ इस तरह से। और नीचे में लेके आने के बाद भाई आपको यहाँ पे जो नीचे वाला तीर दिख रहा है आपको इसे हल्का सा नीचे खींचना होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बस आप हल्का सा नीचे खींचेगा ताकि जो बीच का फोटो यहाँ पे दिख रहा है चीना दिख रहा है भाई वो पतला हो जाएगा। और पतला होने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो फोटो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देखते एडजस्ट हो गया। अगर आप इसका और मतलब बड़ा करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो भाई हम इस तरह से कुछ तरह से जूम करते हैं। और जूम करने के बाद आपको उसे पूरे वीडियो पर अप्लाई करना होगा। तो भाई पूरे वीडियो पर अप्लाई करने के बाद आपको इस पर क्लिक करके मतलब इसे पूरे वीडियो पे ऐसे करके अप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे पूरे वीडियो पे हम अप्लाई कर लिए हैं। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो के एंड में आना होगा। जो यहाँ पे VN ऐप का वाटरमार्क दिख रहा है भाई आपको इसे डिलीट कर देना होगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर अभी इसका कोई काम नहीं है। और इतना सब करने के बाद हमारा जो वीडियो भाई यहाँ पे देखते कुछ इस तरह से एडिट हो गया है। अगर भाई आपको इसमें फोटो को दूसरा चेंज करना हो जस्ट 1 क्लिक में, तो भाई आपको अपने ऊपर वाले फोटो पर क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऊपर में कुछ तरह से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो भाई यहाँ जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है रिप्लेस का, तो आप इसे रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा। और भाई जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आएगा, तो फिर भाई आपको वीडियो एंड फोटो पे फिर से क्लिक करना होगा। और भाई इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दूसरा फोटो ऐड कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे बाबा साहब का जो दूसरा फोटो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। और जैसे भाई हम ऐड करेंगे यहाँ पे से बाबा साहब जी का दूसरा फोटो भी यहाँ पे ऐड हो गया जस्ट 1 क्लिक में। तो आप इस तरह से अपने फोटो को ऐड कर सकते हैं। आप इसमें एडजस्टमेंट उसी तरह से कर सकते हैं। आप भी यहाँ पे जूम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और जूम करने के बाद आपको जो वीडियो यहाँ पे बहुत तरीके से एडिट हो गया है। अगर भाई आपका यहाँ पे जो चेहरा हो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो सिंपली आपको ऐसे एक बार क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक पर आपको इसे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना होगा। और भाई डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आना होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और भाई इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऊपर वाले लेयर को ऐसे बढ़ के ऊपर में लेके जाना होगा। और ऊपर में लेके जाने के बाद भाई आपको यहाँ पे फिर स्टार्ट में आके यहाँ पे ऐसे नीचे से स्टार्ट में आके फील का जो ऑप्शन दिख रहा है भाई आपको ऐसे फील पे क्लिक कर देना होगा। और भाई फील पे क्लिक करने के बाद आपको फिर लास्ट में आ जाना होगा। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे जो क्रोमा का ऑप्शन दिख रहा है आप ऐसे क्रोमा पे क्लिक कीजिएगा। और भाई क्रोमा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे में दो ऑप्शन आ जाएगा, तो जो नीचे वाला दिख रहा है आपको इसे 0% कर लेना होगा। और ऊपर वाला जो तीर दिख रहा है आपको इसे ऐसे टच करना होगा। और इसे टच करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा वन वाला फर्स्ट वाला भाई आपको इसे ऐसे करके फुल कर लेना होगा। और जैसे फुल करेंगे यहाँ पे आपका जो चेहरा रहेगा मतलब फोटो जो पीछे चला जाएगा और जो आपका वीडियो है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा। यहाँ पे तो भाई हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही तरीके से एडिट हो गया जस्ट 1 क्लिक में। तो अच्छी तरीके से एडिट हो गया। और एडिट होने के बाद यहाँ पे हम इसे गैलरी में सेव करेंगे। तो भाई गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे भाई एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो बहुत तेज़ी से आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद भाई आप उसे इंस्टाग्राम पे एडिट डाल सकते हैं और 14 अप्रैल के लिए स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो एडिटिंग में, तब तक के लिए जय हिंद।